अस्सलाम वालेकुम, DQ सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से दानिश कमर, और आज आपके सामने नया नाजामाबाद की तारीख ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। आपको ब्रिज दिखाने जा रहे हैं, ब्रिज पे कारपेटिंग का काम स्टार्ट हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे ये हम सफ़ी हसन सोलंकी की तरफ से कलंद्रिया चौक जा रहे हैं, और ये हमारे राइट साइड पे ब्रिज की कारपेटिंग आपको नज़र आ रही होगी। इस पर टेम्परेरी एक रैम बना के मशीनरी ऊपर चली गई है, और वहाँ से कलंद्रिया चौक तक इसकी एक साइड की कारपेटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। आज हम 23 रमज़ान की ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और 3 अप्रैल है, और आप देखें ये इस वक्त कलंद्रिया चौक वाला एरिया है। सीधे हाथ पे हमारे जो है वो ग्रेवयार्ड है जी। अब हम ये कलंद्रिया चौक की तरफ जा रहे हैं, सीधे हाथ पे हमारे ग्रेवयार्ड है, और ये सारा एरिया वो कलंद्रिया चौक का है। इस पर आप राइट साइड पे देखें तो कितनी अच्छी ग्रीनरी कर दी गई है, और बस इस पर तैयारी हो रही है यहाँ पे जो है इसकी ओपनिंग के लिए। अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि यहाँ पे ग्रीनरी की गई है, किसी वजह से की गई है, ताकि यहाँ पे कोई इसका फीता वगैरह काटने की सेरेमनी यहाँ पे की जाए। और हमारे उल्टे हाथ पे जो है इस वक्त ये ब्लड बैंक है, और स्ट्रेट हम जा रहे हैं, और ये आप रोड देख सकते हैं, नुसरत भुट्टो कॉलोनी का रोड है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी इतनी अच्छी हालत हो गई है। हम चूँकि 2 साल से इसको देख रहे थे, और ये काफ़ी ख़राब हालत में था, काफ़ी इसको ऊँचा किया गया। और ये देखें, ये इस ट्रैक की, कश्मीर होटल के साइड वाले ट्रैक की कारपेटिंग की गई है, और एक ट्रैक की कारपेटिंग कंप्लीट हो गई है कल वहाँ तक के जो रेंजर्स की ट्रेनिंग है। दूसरे साइड की जो कारपेटिंग का काम चल रहा है, और बहुत अच्छा इसकी वजह से बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नया नाजामाबाद में कोई प्रॉपर्टी नहीं ली और आप लेना चाहते हैं, तो ये एक मौका है जिसमें आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रिज की कंप्लीशन के बाद डेफिनेटली प्राइस में वेरिएशन आ सकता है। इसी तरह ये रोड भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। ये रेंजर्स की चौकी वाला एरिया है, और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, इसको भी यहाँ से डिमोलिश किया जा रहा है। यहाँ से ये ब्रिज दोबारा नया नाजामाबाद की तरफ उतरना शुरू हो रहा है, और हमारे राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक तरफ की रैंप का काम ऑलमोस्ट कर दिया गया, ये पूरी दीवार बना दी है, और इसमें फिलिंग का काम स्टार्ट हुआ है अभी, और मशीनरी यहाँ पे दिन रात काम कर रही है। और इसकी ऑफिशियल न्यूज़ मैं चाहूँगा कि नया नाजामाबाद ऑफिशल्स ही आप लोगों को दें, लेकिन विद इन अ फ्यू मंथ्स ये ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएगा, और मैं शायद उस वक्त पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन आप लोग इससे ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकेंगे।
तो जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया ब्रिज की कंस्ट्रक्शन, और आप देख सकते हैं अगर आप अभी भी यहाँ नया नाज़माबाद में आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली और आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। DQ सॉल्यूशन का नंबर आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये एक उन मौक़ों में से एक मौका है जिसमें आप अभी भी अगर चाहें और आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप नया नाज़माबाद में अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे आप यहाँ पे फ्लैट्स और प्लॉट्स और बैंगलोर्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।